सत श्री अकाल, चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। दिव्या पाहुजा कतल केस च मोहाली वासी बलराज गिल गिरफ्तार, कलकत्ता तो हुई गिरफ्तारी, मुलजम सिरसी 50,000 रुपए का इनाम। छे सूबियां एनआईए की छापेमारी, बब्बर खालसा इंटरनेशनल ते बिश्नोई गैंग विरुद्ध कार्रवाई, कई गैर कानूनी हथियार ते गोला बारूद किया गया जब्त। कर्नाटक की झाकी नूं इजाजत ना मिलना बदले की राजनीति, कहा कांग्रेस ने। पार्टी जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने किया हमला, है कहा बदले का मोदी मंत्र। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा तो पहला अज तो 11 दिनों की विशेष रसम शुरू करन दा ऐलान कीता है। जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स ते एक पोस्ट राही दित्ती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या च राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा च सिर्फ 11 दिन बाकी ने। मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैं भी इस शुभ मौके का गवाह बनागा। परमात्मा ने मैनू पवित्र समारोह दौरान भारत के सारे लोगों की प्रतिनिधता करने लिए एक साधन बनाया है। इसनों ध्यान रखते हुए मैं अज तो 11 दिनों की विशेष रसम शुरू कर रहा हूँ। मैं सारे लोगों तो आशीर्वाद चाहना। इस समय अपनी भावनावां शब्दों च बयान करना बेहद मुश्किल है, पर मैं अपने पास कोशिश की है। प्रधानमंत्री वालों जारी संदेश कहा गया है कि धर्म ग्रंथा च भगवान की मूर्ति की पवित्रता एक विस्तृत और व्यापक प्रक्रिया है। इस दे लई विस्तृत नियम दिए गए हैं जिन्हों की पालना करनी है। हरियाणा के गुरुग्राम च मॉडल दिव्या पाहुजा कतल कांड च अपराध शाखा नूं वड्डी सफलता मिली है। 10 दिन पहला BMW कार च दिव्या की लाश लैके भजन वाले बलराज गिल नूं पछमी बंगाल के कलकत्ता तो हिरासत में लै लिया गया। उसते 50,000 रुपए का इनाम सी। एक दिन पहला गुरुग्राम पुलिस ने उसके विदेश भजन की संभावना के विचकार लुकआउट सर्कूलर जारी किया। मोहाली का रहने वाला बलराज गिल इस कतलकांड के मास्टर माइंड होटल मालिक अभिजीत सिंह का दोस्त है। गुरुग्राम के ACP क्राइम वरुण दहिया ने दस कि बलराज गिल नूं गुरुग्राम लिया जा रहा है, उस तो होर पुछगिछ होगी। हालांकि 10 दिन बाद भी पुलिस दिव्या पाहुजा की लाश नहीं लभ सकी है। बलराज के नाल लाश लेके फरार होने वाला दूजा मुलजम रवि बंगा भी अजे फरार है। इस तो पहला पुलिस ने दिव्या के कतलकांड के मास्टरमाइंड होटल मालिक अभिजीत के लाश को होटल तो बाहर कढ़न विच मदद करने वाले ओम प्रकाश के हेमराज को पहला ही गिरफ्तार कर लिया सी। इस तो इलावा पुलिस ने अभिजीत की प्रेमिका मेघा नु भी गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पाबंदीशुदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल अते लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडीकेट दीयां साजिशां अते गतिविधियां नाल जुड़े मामलों विच कई राज्यों विच वड्डे पद्धर ते कार्रवाई करते हुए अपराधिक दस्तावेज, डिजिटल उपकरणां ते नकदी समेत कई गैर कानूनी हथियार ते गोला बारूद जब्त किया। जांच एजेंसी के बुलारे ने दसिया कि इस कार्रवाई के हिस्से वजो NIA दीयां टीमां ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के नाल नाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP ते दिल्ली विच कुल 32 थावां ते छापा मारिया है। 3 मामलों के संबंध में मारे गए छापिया दौरान जब्ती विच 2 पिस्तौलों के नाल 2 मैगजीन ते गोला बारूद समेत 4.5 लाख रुपए की नकदी तो इलावा दस्तावेज ते डिजिटल उपकरण शामिल है। 3 मामले BKI ते देश में चल रहे अतवादी गैंगस्टर नैटवर्क वालों की जा रही अतवादी गतिविधियों के नाल संबंधित। कांग्रेस पार्टी ने दोष लाया कि केंद्र सरकार वालों कर्नाटक की झाकी नूं गणतंत्र दिवस परेड च शामिल करन दी इजाजत इसलिए नहीं दिती गई क्योंकि मई 2023 च होईयां विधानसभा चोणां विच मिली हार नूं भाजपा ते प्रधानमंत्री मोदी भुल नहीं सके ने। पार्टी जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने हमला करदे कहा कि यह बदले का मोदी मंत्र है। उन्होंने एक्स से पोस्ट किया, यह बदले का मोदी मंत्र है। मई 2023 च कर्नाटक विधानसभा चोणां च उन्होंने निजी तौर पर उन्होंने पार्टी नूं मिली करारी हार नूं ओह ना तो भुल सके ने ते ना ही माफ किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि
केंद्र सरकार ने 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस परेड च राज दी झाकी नूं मौका ना दे के 7 करोड़ कन्नड़ भाषावां दा अपमान कीता। मुख्यमंत्री दे मुताबिक कर्नाटक तो कई झाकियां दे प्रस्ताव भेजे गए सन पर केंद्र सरकार ने सारे रद्द कर दिते ने। सिद्धरमैया ने यह भी दोष लाया सी कि असल गल तां इह है कि राज विच कांग्रेस दी सत्ता ते अजिहा लगदा है कि इह भाजपा दी अगवाई वाली केंद्र सरकार लई चिंता दा विशा है। पाकिस्तान दे पंजाब सूबे विच कड़ाके दी ठंड पै रही है। इत्थे निमोनिया कारण पिछले हफ्ते घट्टो-घट्ट 36 बच्चियां दी मौत हो गई। अधिकारियों ने इस दौरान स्कूलों विच सवेर दीआं प्रार्थना सभावां ते पाबंदी ला दित्ती है। सूबे च 36 बच्चियां दी मौत तों इलावा स्कूली बच्चों च निमोनिया दे केसां विच वाधा होण दे मद्देनज़र 31 जनवरी तक प्रार्थना सभावां ते पाबंदी लाउण दा फैसला लिया गया। सरकार वल्लों जारी बयान च कहा गया है कि ठंड कारण घट्टो-घट्ट 36 बच्चियां दी मौत होई है। इस कारण सरकार नूं 31 जनवरी तक स्कूल विच सवेर दी प्रार्थना सभा करन ते पाबंदी लाउणी पई है। नर्सरी ते प्लेवे स्कूल दे बच्चियां लई 19 जनवरी तक छुट्टियां दा ऐलान कीता गया ते इस विच इह वी कहा गया कि पिछले साल पंजाब विच निमोनिया कारण 990 बच्चियां दी मौत होई सी। पंजाब सूबे दे कार्यकारी मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने बच्चियां नूं निमोनिया तों बचाउण लई रोकथाम उपाअ अपनाउण संबंधी सीनियर डाक्टरां दे नाल विस्तृत चर्चा भी कीती। ड्रग मामले विच सीनियर अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं मुड़ समन जारी कर देने की वड्डी खबर है। जानकारी अनुसार मजीठिया नूं ड्रग मामले च नव नियुक्त स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम वालों चौथी वार समन भेजे गए ने। SIT ने समन जारी करते हुए मजीठिया नूं 16 जनवरी नूं DIG पटियाला रेंज के दफ्तर सद्या। दसनयोग है कि ADGP मुखविंदर सिंह छीना दे रिटायर होने तो बाद नवी 3 मैंबरी सिट दे सामने बिक्रम सिंह मजीठिया पहली बारी पेश होंगे। सिट दे चेयरमैन DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने दस दिए कि ड्रग दे मामले विच बिक्रम मजीठिया 3 वार स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम दे सामने पेश हो चुके ने। इस तो पहला 30 दिसंबर नूं बिक्रम मजीठिया SIT सामने पेश होए सन ते करीब 5 घंटे पुछगिछ की गई सी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के साबका मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले च अंतरिम जमानत 6 महीने लिए वधा दी है। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों पेश हुए वधीक सोलिसिटर जनरल SV राजू के सिते इतराज न किए जाने तो बाद जस्टिस बेला M त्रिवेदी ते जस्टिस पंकज मिथल के बेंच ने मलिक नूं मैडिकल आधार से दी गई जमानत की म्याद वधा दी है। राजू ने कहा कि जांच एजेंसी नूं इस ते कोई इतराज नहीं है। पिछले साल 12 अक्तूबर नूं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले विच मलिक दी अंतरिम जमानत 3 महीने लिए वधा दी सी। शाहकोट विच जिले के एंट्री पॉइंट से लगते हाईटेक नाकियां ते तेज रफ्तार कार ने KSI नूं टक्कर मार दी। शाहकोट विच कार उन्हां नूं घसीटते हुए अपने नाल लै गई ते कुछ दूरी ते SI सुरजीत डिवाइडर ते डिग के गंभीर तौर ते जख्मी हो गए जिन्हां नूं इलाज लई हस्पताल च भर्ती करवाया गया। घटना के बाद थोड़ी अगे जाके कार सवार रुकिया ते कार उत्थे छड्ड के मौके तों फरार हो गया। SI सुरजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया जिस विच कार ASI नूं टक्कर मारन दे बाद कार घसीटते हुए ले जांदी दिखाई दे रही है। इस दे बाद कार दोबारा हाईवे ते आई ते रैलिंग नाल टकरा के रुक गई। ड्राइवर तुरंत कार तो उतरिया ते फरार। पटियाला के नवे बस स्टैंड से एक दुकान विच कुछ नौजवानों वालों दुकान के करिंदे नाल कुटमार की गई ते तलवारां नाल हमला किया गया। पीड़ित दुकानदार के दसन मुताबिक जदों उन्होंने नौजवानों तो पैसों की मांग की तो उन्होंने उस पर हमला कर दिता जिस दौरान एक महिला भी जख्मी हो गई जिस बारे पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने वालों मौके पर लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जख्मियों के बयान के आधार पर बनती कार्रवाई की जा रही।
पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह पुल्लर, एडीसीपी ट्रैफिक अमृतसर अमनदीप कौर दे आदेशा हेठ ट्रैफिक एजुकेशन सैल के इंचार्ज एसआई दलजीत सिंह ते एचसी सलवान सिंह, लेडी कांस्टेबल लवप्रीत कौर वालों सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल सुल्तानविंड विखे बच्चों नूं ट्रैफिक नियमों प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने अंडरेज ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, हैलमेट की वरतों करन ते रैड लाइट जंप न करन बारे प्रेरया गया। खास तौर पर चाइना डोर की वरतों रोकने बारे भी प्रेरित किया गया। उन्होंने चाइना डोर तो होने वाले हादसों बारे जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को प्रण लिया गया कि अपने घर के मोहल्ला वासियों चाइना डोर की वरतों ना करने बारे प्रेरित करेंगे। इस मौके स्कूल स्टाफ के विशेष तौर पर प्रिंसीपल हाजिर रहे। अज असी सीनियर सैकेंडरी स्कूल सुल्तानविंड पिंड विखे आए हैं, जिथे अज एक बच्चों मिल के और प्रिंसीपल साहब न मिल के एक सैमीनार लगया गया चाइना डोर के खिलाफ ट्रैफिक रूल्स बारे। तो बच्चों ने बहुत वधिया साथ दिता और टीचर साहबान ने भी इस गल से पुरजोर मांग की है कि चाइना डोर के खिलाफ मुहिम जी स्कूल लैवल तो लैके मुहल्ले पद्धरी तौर पर ज पंजाब लैवल से इनू ये विरोध करना चाहिए ता जो जड़ा जो भी चाइना डोर का नुकसान हो रहा किसी के अखा में पे रही है किसी के गला कटिया जा रहा तो ये खिलाफ़ जी मुहिम छेड़ी जाए ता जो इन ठल पै सके। हुण जिहड़े कानून ही बहुत सख्त बन गए ने तो इहदा कानून दे अपना जिहड़ा कोई भी जानकारी है ये लोगों तक पहुँचता करनी चाहिए सानू। अयोध्या च मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संबंधी करवाए जा रहे प्रोग्राम का सद्दा जिथे पूरे भारत के हर समुदाय के संत महापुरखों और सियासी नेतावान दिता जा रहा है। उत्थे देश के हर सूबे अयोध्या तो आए हुए पवित्र कलश को अपने मंदिरों के घरों में स्थापित करने लिए आम जनता में भारी उत्साह है। इस संबंध में श्रद्धालुओं का एक जत्था हिंदू नेता राहुल खन्ना और जितेंद्र खन्ना की अगुवाई में राम मंदिर अहियापुर पहुंचा। ढोल के बैंड बाजिया नाल पवित्र कलश लैके एक विशाल कलश यात्रा के रूप में जय श्री राम के जयकारे लाते हुए शिव शक्ति मंदिर ग्रीन कलोनी जाजा टांडा विखे पहुंचे, जिथे कलोनी वासियों के आसपास के इलाके के लोगों ने भरवा स्वागत करते हुए फुलों की वर्खा की। इस मौके पर शिव शक्ति मंदिर के मुख सेवादार पंडित कपिल शर्मा ने पूरी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने उपरंत पवित्र कलश को मंदिर च स्थापित किया। इस मौके पर राहुल खन्ना ने कहा कि मर्यादा पुरशोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की अयोध्या में राम मूर्ति की स्थापना लैके देश विदेश में हर भारतीय दिलों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि 22 टांडा इलाके दे पेंदे मंदिरां ते अपने घरां दे विच लोक दीप जला के दिवाली मना। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।